हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है यशोदा। दोस्तों, अगर आप यशोदा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको यशोदा फिल्म की पूरी स्टोरी बताएंगे, इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आप 10 मिनट की हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। यशोदा 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकुंदन, वारक लक्ष्मी, सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मारथंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशोदा, जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशोदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फ्राहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सुरोगेसी सेंटर है। यशोदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसीदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं, लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशोदा को एवा पर शक हो जाता है, क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है, लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जून 2 में घुस जाती है, जहां वो एक सब्ज सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशोदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सुरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशोदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी, लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै, जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला, अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जमीन में
प्लाज्मा मंशात की इजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खावतीन को मुआवजा देकर सुरोगीत मई बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देती हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज्यादातर मॉडल्स सी ए और अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशियात और मंशियात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुशी और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशरा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मंसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जिनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदू और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दरजदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की बदेश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुशी के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदू आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुशी एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगामात चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुशी को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदू और इसकी टीम अरुशी के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदू ने अपने घर का
घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिया की मौत से मिला जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया, जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिधर पेल्स के मालिक है। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समर्था बतौर यशदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अनिनी मकरदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रिमेश बतौर मरकजी वजीर गधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदियो आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, मधर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा दियो सिरी असादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजू एंड पिंका शर्मा बतौर काजल इसके साथ प्रीति असानी बतौर धर्मदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लिनका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कत्तीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरी प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान वारक लक्ष्मी सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसुदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बादला पता हो गई थी।
इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है, लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरो की माँ को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जून दो में घुस जाती है, जहां वो एक शब्द सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशोदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माँ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशोदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी, लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला, अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सरोगेट माँ बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशात और मंशात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुषि और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदु इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशोदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वसुदु इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सरोगेट माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मनसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी, लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदु इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और
बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकार हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वसुदु और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुषि के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदु IPS के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगाम चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे, क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदु और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई, लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदु ने अपने घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिलिया की मौत से मिला, जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदियर पेल्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकनदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रिमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदु IPS के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी IPS के रोल में नजर आएंगे, मधर यमा बतौर केरल एक्टर सधार मां दियो सिरी असादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर बरामदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका, और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सिवा लंका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कतीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया।
2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकुंदन, वारक, लक्ष्मी सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशोदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशोदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फ्राहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशोदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदु को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल लीना पहले ही आ चुकी है। वसुदु अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशोदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जून 2 में घुस जाती है जहां वो एक सख्त सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशोदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशोदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सरोगेट माएँ बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज़्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख्त किया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया
की मौत मंशियात और मंशियात के तामिल की वजह से। पीनू ने अरुशी और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशुदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशुदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशुदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टैंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशुदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशुदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मंसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशुदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशुदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है लेकिन यशुदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदू और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशुदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशुदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हुआ और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुशी के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदू आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुशी एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगामात चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुशी को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदू और इसकी टीम अरुशी के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदू ने अपने घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिलिया की मौत से मिला जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया, जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिरियर पेल्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अनिनी मकनदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी,
राव रमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे। मल्ली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे। सत्य राज बतौर वसुदियो आईपीएस के रोल में नजर आएंगे। राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे। शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे। मदहर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा डियो सीरी बसादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे। कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर धर्मदा के रोल में आप नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस फिल्म किस इंटैक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका, और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लिनका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कतीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान वारक लक्ष्मी सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशोदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशोदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशोदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल से भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसुदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशोदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जून 2 में घुस जाती है जहां वो एक शब्द सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा इसे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशोदा को
असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सुरगेट मऊ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशुदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी। लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै, जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला, अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशुदा को, जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खावातीन को मुआवजा देकर सुरगीत मई बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन, ज्यादातर मॉडल्स, सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशात और मंशात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुशी और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशुदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशुदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशुदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशुदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशुदा एक सुरगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मनसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशुदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी, लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशुदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरंदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन यशुदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है।
गौतम फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वसुदु और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुषि के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मनसूबा बंद कत्ल था। वो पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदु आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगाम चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे, क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदु और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई, लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदु ने अपने घर का घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिलिया की मौत से मिला, जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदियर पेल्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकनदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रमेश बतौर मरकजी वजीर गधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदु आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, मदहर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा डियो सिरी असादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर बरंदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका, और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लिनका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कत्तीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान, वारक लक्ष्मी, सरताज कुमार और मरली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की।
ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशोदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशोदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशोदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसुदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं, लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशोदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशार में नहीं है, लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जून 2 में घुस जाती है, जहां वो एक सख्त सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशोदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशोदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी, लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को जिस एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सरोगेट माएँ बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशात और मंशात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुषि और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशोदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है
और वो हंगामी और रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वसुदेव इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मनसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदेव इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदेव और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुषि के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाजा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदेव आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगामात चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदेव और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदेव ने अपने घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिलिया की मौत से मिला जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिस से इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदिहर फिल्म्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकलदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदेव आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, मधर यमा बतौर केरल एक्टर सधार मां डियो सिरी पसादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजू
एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर धर्मिंदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, इसलिए आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लंका, और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लंका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कतीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरी प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान, वारक लक्ष्मी, सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशुदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशुदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशुदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशुदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसीदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशुदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशुदा बाद में जून 2 में घुस जाती है जहां वो एक सब्ज सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशुदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशुदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशुदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशुदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी
जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे के बायस बनी। लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की, जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला, अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की इजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खावातीन को मुआवजा देकर सुरोगीत मई बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन, ज्यादातर मॉडल्स, सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशियात और मंशियात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुशी और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशोदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टैंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मंसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जिनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वसुदू और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दरजदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की दैश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हुआ और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुशी के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए
वसुदु आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इससे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स, मेल और टेक्स्ट पैगामात चेक करती है। इससे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे, क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसदूत और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई, लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसदूत ने अपने घर का घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिया की मौत से मिला, जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया, जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया। तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिधर फिल्म्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकनदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रिमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदियो आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, मधर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा दियो सिरी पसादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर धंधा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किस इंटैक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो जब भी आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लंका, और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लंका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कतीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान, वारक लक्ष्मी, सरताज कुमार और मरली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशोदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशोदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशोदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है
और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल से भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं, लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशुदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशार में नहीं है, लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोकीट माओ को दिखाया गया था। यशुदा बाद में जून 2 में घुस जाती है, जहां वो एक सब्ज सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशुदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशुदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशुदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशुदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी, लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशुदा को जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सरोगेट माएं बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशात और मंशात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुशि और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशुदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वसदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशुदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशुदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर
मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मंसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदु इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदु और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुषि के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदु IPS के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगाम चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदु और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदु ने अपने घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिलिया की मौत से मिला जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदिहर फिल्म्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकनदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रमेश बतौर मरकजी वजीर गधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदु IPS के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी IPS के रोल में नजर आएंगे, मधर यमा बतौर केरल एक्टर सधार मां डियो सिरी बसादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल इसके साथ प्रीति असानी बतौर धर्मदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो जब भी आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लिनका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं
समंथा, यूनी, मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाई मर्थंट के फिन कप्तीश, म्यूजिक बाई मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाई शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकंदन, वारक लक्ष्मी, सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब किया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशुदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशुदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशुदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशुदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसीदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशुदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशुदा बाद में जून 2 में घुस जाती है जहां वो एक सख्त सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशुदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशुदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशुदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशुदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशुदा को जिसे एक
अलग कमरे में कैद किया जा रहा है। दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की इजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खावतीन को मुआवजा देकर सुरोगीत मई बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देती है, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशियात और मंशियात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुशी और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशरा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मनसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जिनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदू और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दरजदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुशी के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क़यादत करने के लिए वसुदू आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुशी एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगामात चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुशी को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदू और इसकी टीम अरुशी के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई, लेकिन पता चला कि
इसे दो दिन पहले कतर कर दिया गया था। मसदू ने अपने घर का घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिया की मौत से मिला, जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिस से इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिधर फिल्म्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकलदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रिमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मरली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदियो आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, मदहर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा डियो सीरी असादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर धंधा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लंका और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लंका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कप्तीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान वारक लक्ष्मी सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशोदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशोदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशोदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदू को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसुदू अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशोदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां
काजल और लैला लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बादलापत हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है, लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माँ को दिखाया गया था। यशुदा बाद में जून दो में घुस जाती है, जहां वो एक शब्द सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी के रुकन है। वो यशुदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशुदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशुदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माँ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशुदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी, लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला, अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशुदा को जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सरोगेट माएँ बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज़्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशात और मंशात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुषि और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशुदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशुदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशुदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशुदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सरोगेट माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशुदा एक सरोगेट माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मंसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशुदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी, लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान
वसुदु इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरमदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वसुदु और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुषि के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मनसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदु आईपीएस के को मुकर्रर करती है। इससे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगाम चेक करती है। इससे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे, क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदु और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई, लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदु ने अपने घर का घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिया की मौत से मिला, जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदियर पेल्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी, अननी मकलदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी, वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी, राव रिमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे, मल्ली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे, सत राज बतौर वसुदु आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे, शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे, मधर यमा बतौर केरल एक्टर सधार मा दियो सिरी असादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे, कप्तिका गणेश बतौर तीजो एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल इसके साथ प्रीति असानी बतौर धर्मदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो जब भी आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लिनका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कतीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज़ किया गया तेलुगु जबान में, इसको रिलीज़ किया गया।
इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान वारक, लक्ष्मी सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मारथंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशुदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशुदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशुदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फ्राहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशुदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदु को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल्स भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल अलीना पहले ही आ चुकी है। वसुदु अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशुदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशा में नहीं है लेकिन इसे असल में एक लाइव प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशुदा बाद में जून 2 में घुस जाती है जहां वो एक सब्ज सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है। वो यशुदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशुदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशुदा को असासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सरोगेट माओ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशुदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुबतला थी जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशुदा को जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जनीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सरोगेट माएँ बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज़्यादातर मॉडल्स
CAO अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशियात और मंशियात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुशी और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशरा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद IPS ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टैंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मनसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकार हमल करके अपने जनीन को कुर्बान कर दिया। मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती है और इसे पहाड़ से धकेल कर हला कर देती है। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदू और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की दैश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइकून शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड अरुशी के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था। वो पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदू IPS के को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुशी एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगाम चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुशी को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करें क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदू और इसकी टीम अरुशी के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदू ने अपने घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार ओलिविया की मौत से मिला जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया, जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदिहर फिल्म्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी। यानी
मकरदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी। वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी। राव रिमेश बतौर मरकजी वजीर कधीर के रोल में आपको नजर आएंगे। मल्ली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे। सत राज बतौर वसुदियो आईपीएस के रोल में नजर आएंगे। राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे। शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी आईपीएस के रोल में नजर आएंगे। मधर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा दियो सिरी असादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे। कप्तिका गणेश बतौर तीजू एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल, इसके साथ प्रीति असानी बतौर धंधा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, तो आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश, राइटर भी यही हरी हराश ही है, प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लंका, और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सेवा लंका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रिमेश, सेनोग्राफी एम सुकुमार, एडिट बाय मर्थंट के फिन कतीश, म्यूजिक बाय मानी शर्मा, प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट बाय शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु, रिलीज डेट 11 नवंबर 2022, रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया। 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि प्रयाश ने लिखा और हिदायतकारी की। इसमें अननी मुकनदान, वारक लक्ष्मी, सरताज कुमार और मल्ली शर्मा के साथ मरकजी किरदार में समंथा ने काम किया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म का स्कोर मिनी शर्मा ने तरतीब दिया जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बरतरतीब एम सो कुमार और मार्थंड के वेंकटेश ने की। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशुदा को नाकदीन के मिले जुले जैसे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी। अगर इस मूवी की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि यशुदा जो कि इस मूवी की हीरोइन है, लड़की है, वो मूवी का नाम भी यशुदा है, जो जोमा 2 में काम करती है, सुरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि इसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए फंड फराहम करने की जरूरत होती है। इसे हवाले जाया जाता है जो डॉक्टर मधुबाला की मलकियत में एक जदीद तरीन सरोगेसी सेंटर है। यशुदा कुछ सरोगेट माओं से दोस्ती करती है और इनके साथ वक्त गुजारती है। इन सबको पता चला कि इनमें से हर एक गरीब है और पैसे का मोहताज है। नामालूम अफराद के हमले के बाद वसुदु को मालूम हुआ कि 6 माह में 122 मॉडल से भारत पहुंचेंगे। इसे मालूम हुआ कि एक मॉडल लीना पहले ही आ चुकी है। वसुदु अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में इसका पीछा करते हैं लेकिन इन्हें मकामी कबाइलों ने पकड़ लिया। यशुदा को एवा पर शक हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी सहेलियां काजल और लैला दर्जा में मुबतला होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई थी। इसके सदमे में वो जानती है कि अयोशर में नहीं है लेकिन इसे असल में एक लाइफ प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सरोगेट माओ को दिखाया गया था। यशुदा बाद में जून 2 में घुस जाती है जहां वो एक शब्द सरोगेट जीनी से लड़ती है जो इसके हमल को जेली बना रही है और एवा गिल्डी की रुकन है।
वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा इससे मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद यशोदा को सासों के कमरे में मुर्दा बच्चों और सुरक्षित मौ पर मुश्तमिल बहुत से बॉक्स मिले, जिसमें इसे काजल और लैला की लाशें और लैला के बच्चे की लाशें मिलती। इसके बाद यशोदा को मधुबाला की कमान में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और इसे मार भी देती है। इसके बाद वो एवा के बारे में मजीद जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बीच का इस्तेमाल करते हुए मधुबाला के कैबिन में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला ने इसे पकड़ लिया। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो एक बीमारी में मुब्तला थी, जिसके नतीजे में वो अपनी खूबसूरती खो बैठी और बुढ़ापे की बायस बनी, लेकिन गौतम ने एक दुआ तैयार करके इसकी मदद की लै जिससे इसकी बीमारी ठीक हो गई। तहम दुआ सिर्फ एक आर्जी हल है, इसके असरात सिर्फ 6 माह तक रहते हैं। गिदिहर जो मधुबाला का शोहर निकला अपनी तहकीक को फंड देकर इस एक नई दुआ ईजाद करने को कहता है। अभी तक मधुबाला और गौतम अपने सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को जिसे एक अलग कमरे में कैद किया जा रहा है, दोनों ने इंकशाफ किया कि जमीन में प्लाज्मा मंशात की ईजाद के लिए इस्तेमाल होने वाला खुफिया जुजू है और वो गरीब खवातीन को मुआवजा देकर सुरोगीत मई बनाने के लिए रख लेते हैं। इन्हें हमला करने के बाद फर्जी लाइबर दूध लाने के बाद और सी सेक्शन करवाने के बाद वो जिनीन को निकाल देते हैं, औरत को एहतियात से मार देते हैं और प्लाज्मा हासिल करते हैं। आखिरकार इन्होंने दुआ बनाई और इसे अमीर खवातीन ज्यादातर मॉडल्स सी ए ओ अदाकारों को फरोख दिया। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ओलिविया की मौत मंशियात और मंशियात के तामिल की वजह से। इन्होंने अरुषि और शेवाल्डी को हादसे में हला कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी यही दुआ मौजूद है और इन्हें इसके लीक होने की धमकी दी थी। जंगल में वसुदू इसकी टीम को मालूम हुआ कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलकर है। वसुदू इसकी टीम को एक मानद में लाया जाता है ताकि इन्हें मार डाल दिया जाए। एवा में यशोदा को पता चलता है कि ये सहूलत जंगल में वाकई है और वो हंगामी रास्ते से फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गौतम ने इसे खटखटा दिया जो इसे वापस लाता है। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वसुदू इसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। तहम बदले में गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि यशोदा दरअसल एक हुनरमंद आईपीएस ट्रेनी है जो एवा में खुफिया है। एकेडमी टेंपर होने के बावजूद इसे पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए पैसों के बंदोबस्त करने पर मजबूर किया गया। एक दिन यशोदा को अपनी बहन बरामदगी गुमशुदगी के बारे में मालूम हुआ और पता चला कि वो इसके लिए रकम का बंदोबस्त करने के लिए सुरोगीत माँ बन गई थी और इसे एवा के पास ले जाया गया था। इसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सुरोगीत माँ बन गई और इसने शुरू से ही हर चीज की मनसूबा बंदी की। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा ने गुंडों और गौतम को शिकस्त दी लेकिन पेट में मारा, जिसके नतीजे में इसके पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान वसुदू इसकी टीम का बैलों को शिकस्त देकर बलराम को मार डालती है। यशोदा अपने साथी सुरोगेट्स से मिलती है और बरामदे के बारे में पूछती है, लेकिन इससे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। मधुबाला हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उससे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने इंकशाफ किया कि वो हामला भी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती तहकीक को बेहतर बनाने और तरक्की देने के लिए असकाब हमल करके अपने जिनीन को कुर्बान कर दिया।
मधुबाला के हकीकी चेहरे और इसकी सरगर्मियों के बारे में जानकर खवातीन मुश्तल हो जाती हैं और इसे पहाड़ से तक खेल कर हलाक कर देती हैं। गौतम फरार होने की कोशिश करता है लेकिन वसुदु और इसकी टीम के हाथों पकड़ा जाता है। यशोदा ने बरामदा को ढूंढ लिया जो दर्जदा में है। खवातीन बरामदा के बच्चे की पैदाइश में यशोदा की मदद करती है। इसके बाद गिदिहर की भी इस स्कैंडल में शमूलियत का इंकशाफ हो और इससे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मकामी पुलिस बिजनेस टाइगोन शेवाल्डी इसकी गर्लफ्रेंड परोशी के हादसे की तहकीकात कर रही है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पहले से मंसूबा बंद कत्ल था और पुलिस तफ्तीश की क्यादत करने के लिए वसुदु IPS को मुकर्रर करती है। इसे मालूम हुआ कि अरुषि एक मॉडल थी और इसके ईमेल्स मेल और टेक्स्ट पैगाम चेक करती है। इसे मालूम होता है कि अरुषि को इसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि वो किसी मखसूस कॉस्मेटिक ब्रांड की तशहीर न करे क्योंकि इसमें ऐसे नुकसानदा केमिकल होते हैं जो सियासतदानों को मालूम नहीं। वसुदु और इसकी टीम अरुषि के दोस्त से मिलने के लिए रवाना हुई लेकिन पता चला कि इसे दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। वसुदु ने अपने घर से कॉस्मेटिक का नमूना हासिल किया और इसका ताल्लुक हॉलीवुड की एक मुतवाफी अदाकार कुलिया की मौत से मिला जो उस वक्त मारी गई जब इसने नशा आवर जूस पिया। जिससे इसके कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक से रब्ता किया तो इसे मालूम हुआ कि मरकजी वजीर गिदिहर फिल्म्स के मालिक हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस मूवी के करेक्टर के बारे में। दोस्तों समंथा बतौर यशोदा के रोल में आपको नजर आएंगी। अननी मकनदन बतौर डॉक्टर गौतम के रोल में आपको नजर आएंगी। वरा लक्ष्मी सरत कुमार बतौर मधुबाला के रोल में आपको नजर आएंगी। राव रमेश बतौर मरकजी वजीर गधीर के रोल में आपको नजर आएंगे। मल्ली शर्मा बतौर पुलिस कमिश्नर बलराम के रोल में नजर आएंगे। सत राज बतौर वसुदु IPS के रोल में नजर आएंगे। राजीव कुमार अनीचा बतौर वजीर खाटा के रोल में नजर आएंगे। शत्रु बतौर पुलिस तफ्तीशी अफसर रशी IPS के रोल में नजर आएंगे। मधर यमा बतौर केरल एक्टर सदारमा दियो सिरी प्रसादा बतौर लैला के रोल में नजर आएंगे। कप्तिका गणेश बतौर तीजू एंड प्रियंका शर्मा बतौर काजल इसके साथ प्रीति असानी बतौर धर्मदा के रोल में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, कब रिलीज हुई, कितना बिजनेस किया, रिव्यू आप दिया। आपको मैं इस मूवी के मुतालिक बताता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है हरी हराश। राइटर भी यही हरी हराश ही है। प्रोड्यूस जिसने किया वो है जी सेवा लिनका और उनका मुकम्मल नाम जो है ना वो है सिवा लंका कृष्णा प्रसाद। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं समंथा यूनी मुकंदन एंड इसके बाद वरा लक्ष्मी, इसके साथ मुरली शर्मा और राव रमेश। सेनोग्राफी एम सुकुमार। एडिट बाई मर्थंट के फिन कतीश। म्यूजिक बाई मानी शर्मा। प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज। डिस्ट्रीब्यूट बाई शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु। रिलीज डेट 11 नवंबर 2022। रनिंग टाइम 132 मिनट का था। इस मूवी को भारत में रिलीज किया गया। तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 30 से 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का बिजनेस किया।